कौन है ये? बीवी है ये मेरी। तो तुम वो बगैर शख्स, यानी छोटे भाई की माशूका आज बड़े भाई की बीवी बनी। You shut up! देख लिया अपने बाप का चेहरा, कर लिया आखिरी दीदार, अब चलें घर। तो चलो मेरे साथ, जी भर के देख लो अपने बाप। रुक जाओ, इसे इजाजत नहीं है मेरे भाई की लाश को देखने की। इस मनूस का साया मैं अपने बाप के जनाजे पे नहीं पड़ने दूंगा। ये बेटी है उनकी, इसका पूरा हक है अपने बाप की मैयत के साथ बैठने का। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। पापा, आज मैंने उस लड़की की बहुत बेइज्जती कर दी और आप बराए मेहरबानी बीच में मत आई। मान लिया इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी जैसी है, लेकिन है तो आशिर के निकाह में ना। जरा आप उसकी जुर्रत देखिए, ना किसी से पूछा ना किसी को बताया और घर से बाहर निकल गए। तौफीक मियां, अपनों की मौत दिल से डर और खौफ निकाल देती है। मरने वाला उसका बाप था, वो भी अपने बाप को बहुत चाहती होगी। इसीलिए उसके भी दिल से डर और खौफ निकल गया, चली गई। रहने दे बड़ी आपा, आप कुछ भी कह लें, उसकी ये हरकत काबिल माफी नहीं है। और जो कुछ भी इस घर में हो रहा है ना, सिर्फ आपकी शय पर हो रहा है। पर आप बड़ी आपा एक मेहरबानी कर सकती हैं हम पर? आप खुदा के लिए हमारे और रेहाम के मामलात में दखलंदाजी खत्म कर दीजिए। मैं किसी काम में दखलंदाजी नहीं करती। वो बताया ना उसका बाप मर गया था और मुझसे पूछ के नहीं गई। अरे बाप मर गया तो हम क्या करें? और वैसे भी देखा जाए तो अब उसका उसके बाप के साथ क्या ताल्लुक था? तो वो अभी तक नहीं आई है। अच्छा ही है ना कि नहीं आई। और वैसा भी कौन सा हमसे पूछ के गई थी, किसी से पूछ कर गई थी। आपा, मैं तो कहती हूँ कि उस लड़की के लिए अब इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दे आप। आशिर जब आएगा मैं उससे बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। आज अगर तुम ना आते तो ये लोग रेहाम को कभी भी घर में ना आने देते। दिल को यह सुकून है, जो भी हो तुम्हारी शक्ल में रेहाम के पास मजबूत सहारा है। ऐसे कोई उम्मीद ना ही रखे तो बेहतर होगा। दुआ तो कर सकती हो ना। जानती हो भाई का गम इतनी जल्दी नहीं सब कुछ भूलने देगा। इस बात का अंदाजा हो गया है कि नफरत तुम्हारी तबीयत में नहीं है, वरना आज जो तुमने किया वो कभी ना करते। चलो। मैं आंटी से माफी। तुम्हारा कोई भी जुर्म काबिले माफी नहीं है। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा कि मामा के सामने अपने मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना। आज अंदाजा हुआ होगा तुम्हें कि किसी अपने से बिछड़ने का गम क्या होता है। आज उस तकलीफ का एहसास हुआ होगा तुम्हें। लेकिन सच पूछो तो मौत का गम सह जाना इंसान की फितरत में है। गम याद में और तकलीफ मरने वाले के लिए दुआ में बदल जाती है। लेकिन अपने आंखों के सामने रोज लोगों को मरते हुए देखना ना बर्दाश्त में है और ना ही फितरत में। और तुम्हारी वजह से मैं इस तकलीफ से गुजर रही हूं। एक बेटा तो तुम मुझसे छीन चुकी हो और दूसरे को वो रहने नहीं दिया जो वो था। हमारे वजूद में इतनी नफरत भर दी है कि और कुछ बाकी ही नहीं रहा। ना सिर्फ तुमसे, मुझे अपने आप से नफरत हो गई है और ऐसा होता रहेगा जब तक तुम इस घर में हो। बेहतर यह है कि तुम यहां से चली जाओ। मुझे इस घर से नहीं भेजा। जो सजा देनी है दे दे। सजा तो तुम बन गई हो हमारे लिए। तुम्हारी तरह नहीं है हम। किसी पे जुल्म करना, किसी की जान लेना बस में नहीं है हमारे। सजा चाहिए ना तुम। ठीक है। नदामत है तो अपने हाथों से खुद को सजा देकर हमारी सजा खत्म कर दो। तो अपने हाथों से खुद को सजा देकर हमारी सजा खत्म कर दो। कौन? पापा की खोलो। मत करो जल्दी, मुझे पता था तुम भूखी हो, खाना भी नहीं खाया होगा। खाना खा लो, शाबाश। आ जाओ। मुझे खाना नहीं खाना, थोड़ा सा खा लो बेटे। आ जाओ, शाबाश। आप मेरे पास मत आया करें। क्यों ना आएगा? क्यों पूरे घर को अपने खिलाफ करती है? मुझे किसी की परवाह नहीं, सिर्फ सोफिया की है। उसका दिल दुखता है तो मेरा भी दिल दुखता है। वो मुझसे अभी तक नफरत करती है, मुजरिम समझती है मुझे, लेकिन अल्लाह का भाई मैं अदन की कातिल नहीं। अब अभी मैं तुमसे छोटे भाई की तरह समझती थी। मेरे बहुत समझाया उसे, मगर वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा था। डांटा भी मैंने उसको, मगर वो कुछ समझने के लिए राजी नहीं था। तभी तो मेरे मुनीर से शादी करने के लिए हामी भरे। मैं तो स्टेज पे बैठी थी, मेरी मेहंदी की रस्में हो रही थी, जब अदन बार बार फोन कर रहा था मुझे। फिर क्या बात हुई थी तुम्हारी अदन से? मेरी कोई बात नहीं हुई अदन से, मेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं था। बेटे, अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं था तो किसके पास था? सबूर के पास मेरा फोन था और उसी ने अदन को मैसेजेस किए। सबूर गवाही देगी, आप देखिएगा वो मेरी बेगुनाही की गवाही देगी। चुप क्यों बैठे हैं आप? कुछ बताएं तो सही कि अब क्या होगा। अगर आपा के सामने रेहाम की बेगुनाही खुल गई तो फिर समझिए कि सारे मामलात हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हूँ क्या, कुछ तो बोले, कुछ पता तो चले। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठा हूँ कि बात मेरे हाथ से निकल ही जाए। क्या सोचा है आपने? मुझे भी तो कुछ पता चले कि आगे का प्लान क्या है आपका। ये रेहाम की बेगुनाही तो खैर मैं इतनी आसानी से साबित नहीं होने देता। ये बात तो तुम अपने दिमाग में बिठा लो। और बाकी के मामलात? बाकी के मामलात भी मेरे हाथ में ही हैं। अच्छा ही हुआ एक तरह से के वक्त पर मुझे सारी बात का पता चल गया, सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। अब मैं अपने मोहरे बहुत एहतियात से खेल सकता हूँ। इंशाल्लाह ये बाजी मैं ही जीतूंगा। इतनी बड़ी बात हो गई घर में, और वो लड़की अभी भी इस घर में मौजूद है। ना पप्पू ने कुछ किया, ना ही आशिर ने। मेरी जान, अगर वो लड़की इस घर में मौजूद है तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी हैसियत ही क्या है इस घर में? क्वार्टर में एक कोने में पड़ी है फालतू सामान की तरह, बस। फालतू सामान नहीं रही वो अम्मी, अपने होने का एहसास दिलाने लगी है वो। उसका वजूद नजर आने लगा है आशिर को, इस घर में उसकी आवाज सुनाई देने लगी है। अम्मी सबर, थोड़ा सा सबर कर लो, फिर तुम देखना ना उस मनूस लड़की का वजूद इस घर में नजर आएगा और ना ही उसकी आवाज सुनाई देगी। बस कर दे अम्मी, बार बार एक ही बात कह के मेरा दिल बहलाने की कोशिश करती है। आपने और अब्बू ने किया ही क्या है? मेरी जान, मैं और तुम्हारे अबू तुम्हारे लिए जो कुछ कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। और तुम इस बात का यकीन क्यों नहीं कर लेती कि आशिक तुम्हारा है? रिहाम का वो न था और न कभी बनेगा। मैं और तुम्हारे अबू उसे कभी रिहाम का नहीं बनने देंगे। बस सब्र, थोड़ा सा और सब्र कर लो मेरी जान, फिर देखना ये घर, गाड़ियां, बिजनेस, आशिक सब कुछ तुम्हारा होगा। पता नहीं कितना सब्र करना पड़ेगा मुझे। मैं आपको बता रही हूँ तौफीक, मेरी बेटी बहुत परेशान है। हर वक्त उसे धड़का लगा रहता है कि कहीं आशिर रिहाम के करीब ना हो जाए। क्यों खामखा में टेंशन ले रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? हाँ, वो लड़की अभी तक आशिर के निकाह में है और सबसे बड़ी बात कि इस घर में मौजूद है। आपने खुद आपा से कहा था ना कि आशिर से कहे कि वो उस लड़की को तलाक दे दे, तो क्या हुआ? आशिर ने कौन सा उस बात पर अमल किया? और उस लड़की की हठधर्मी तो देखें, हम सब के होते हुए अपने बाप के मरने पर किसी को बताए बगैर किस तरह घर से चली गई। किसी ने कुछ किया? आशिर गया तो बहुत गुस्से में था, लेकिन जब वापस आया तो मुंह पर ताला लगा हुआ था। फिर आपा ने उसे कमरे में क्या कुछ कहा, ना आप कुछ जानते हैं ना मैं कुछ। और अब जो हकीकत उसने बड़ी आपा को बताई है, अगर ये बातें आपकी बहन को पता चल गई तो सोचे पे क्या होगा? ये तो खैर सोचने वाली बात है, इसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। और अगर बड़ी आपा को हकीकत पता चल गई, सारे सच का पता चल गया तो क्या होगा? टेंशन मत लो, ये खबर आपा तक पहुँचाएगा कौन? क्या बात है तौफीक, कौन सी बातों का मुझे नहीं पता चलेगा? आपा मैं एक्चुअली ये कह रहा था कि आप चूँकि ऑलरेडी बहुत टेंस हैं तो घर में कोई भी खुदा न खास्ता कोई टेंशन वाली बात हो तो आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए। बस मुझे बता दें, मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। हाँ तौफीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपा। इनके कहने का मतलब ये कि वो रिहाम है ना, उसकी वजह से घर में हर वक्त कोई ना कोई मसला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, और इसकी वजह से आप भी परेशान हो जाती हैं। तो तौफीक कह रहे थे कि उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कुछ सोचा आपा आशिर और फराह के बारे में? आशिर से बात करने का मौका मुझे नहीं मिला। जैसी बात करूंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें, जब आप समझें आप बात कर लीजिएगा। कोई जल्दी तो है नहीं, आशिर भी यहीं है और फराह भी यहीं। जी जी सबूर, तुमने बात की आशिर से? आशिर से बात? हाँ, बात करो उससे और उसे शर्म दिलाओ और जरा उससे पूछो कि रिहाम ऐसा कर सकती है। हाँ मैं करती हूँ उससे बात। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।